कभी मुश्किलों का सामना किया है? नहीं किया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी छोटी सी भी कोई भी मुश्किल आती है और जब ऐसा लगता है कि ये मुश्किल तो पार होना बहुत मुश्किल है, तो हम खुद को अकेला पा देते हैं। हमें ये लगता है कि कोई साथ नहीं देगा हमारा, हम अकेले कैसे जूझ पाए, खुद को लाचार पा लेते हैं और बैकफुट में चले जाते हैं। स्टडी हो, करियर हो, लाइफ का कोई भी स्तर हो, जब हम बहुत सारी कमजोरी पाते हैं अपने अंदर, तो हम लाचार हो जाते हैं। हम कमजोर पाकर खुद को वहां से हटा लेते हैं, भाग जाते हैं अपनी मुश्किलों से। लेकिन क्या यह सही है कि आप अपनी मुश्किलों से भाग जाए? नहीं ना। जब हेल्थ इश्यू आता है, जब आपका शरीर कमजोर पड़ता है, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, प्रिकॉशन लेते हो, दवाई लेते हो और खुद को ठीक करते हो। कैसे ठीक करते हो? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके, यानी कि अपनी ताकत को बढ़ा के अपनी हेल्थ इश्यू को सोल्व करते हो। तो जीवन में आई मुश्किलों का, कमजोरियों का भी ऐसा ही है कि अगर आप अपनी ताकत खुद से बढ़ाओगे, खुद से आप कुछ ऐसा करोगे, यानी कि खुद आप अपने आप से प्रिकॉशन ऐसा लोगे अपने आइडिया के तौर पर कि कैसे अपनी मुश्किलों से निपटा जाए, किसी की एडवाइस लोगे अच्छे इंसान की कि कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, कभी ऐसा भी होता है कोई अच्छा इंसान हो आसपास तो हम ले मदद, अगर अच्छा इंसान ना हो तो अपने माता पिता से भी ले सकते हो। समझो कि उसके पास भी कोई रास्ता ना हो, क्योंकि माता पिता मदद करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मुश्किल ऐसी है जो उनसे भी सोल्व नहीं हो पाती। तो एक ही जरिया है कि आपको आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई आप खुद लड़ो, वैसा आप सोच पाओगे, तभी आप अपनी ताकत को बहुत बढ़ा पाओगे, अपनी कमजोरियों को, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए। लेकिन कभी हारना नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है जो छोटी सी मुश्किल को देखकर अपने आप को बैकफुट में ले लेते हैं, हार जाते हैं। क्यों हारना है भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके सामने। ठीक है, अगर आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, आपको जो पाना था वो नहीं मिला, गौर कीजिएगा, आप जिसको पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिला। शायद वो कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, या फिर आपके जीवन का करियर हो, आपके जीवन का मुकाम हो, जो आप चाहते हो, आपका लक्ष्य हो, नहीं मिला तो हार मान के बैठोगे? तो वैसे भी नहीं मिलना है, तो क्यों ना एक और प्रयास किया जाए, अपनी ताकत को बढ़ाकर, अपने दिमागी लेवल को हाई कर, यानी कि अपने दिमागी लेवल में हाई, यानी कि ऐसा नॉलेज गेन कर कि उस नॉलेज से आप अपनी मुश्किलों को हरा पाओ, आप अपनी मुश्किलों को दूर कर पाओ। सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल, लेकिन करो तो सही। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास नहीं करोगे, हार मान लोगे, तो वैसे भी नहीं होना है। तो अपनी लड़ाई को लड़ना स्टार्ट करो। हाथ पे हाथ धरे बैठोगे, रोते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और रोने वालों को तो यहाँ पर कमजोरी माना जाता है, कोई उसकी मदद वैसे भी नहीं करता। तो आपको अपनी कमजोरियों से डरना नहीं है, उसको देखना है, उसका सामना करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो चीजें आपको करनी है। और हाँ, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर मुश्किल दूर ना हो पाए, फिर भी प्रयास करते रहो, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप पीठ दिखाकर भाग जाओगे अपनी मुश्किलों से, तो वैसे भी आप नीचे स्तर पर ही रहोगे अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ को एक स्तर देना है, एक लेवल देना है आपको, उसमें मुश्किलें आएगी ही आएगी, उसको पार करना ही होगा। खुद की लड़ाई खुद को ही लड़नी होगी, कोई आपकी लड़ाई लड़ने आपके पास नहीं आएगा। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देख लो, जो एप्पल के मालिक थे। जब उसने अपनी कंपनी को पहली बार फाउंड किया था, तो उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको हटा दिया था अपने पद से और कंपनी से भी निकाल दिया था। तो क्या वो हार मान गए थे? नहीं, उन्होंने अपना जो टाइम था उस टाइम में सोचा कि और क्या ऐसा मैं करूं जिसकी वजह से मैं फिर से अपनी कंपनी में वापस आऊं, और वो भी जो भी मेरा फाउंडर का पद था वो लेके वापस आऊं। तो उसने ऐसा किया और मजबूरन कंपनी को उसे वापस बुलाना पड़ा, उसी की कंपनी में वो फिर से मालिक बने। अगर उसने ये नहीं किया होता, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे होते, कहीं और जॉब वगैरह कर लेते, मुश्किलों से भाग चुके होते, तो आज एप्पल आईफोन हमारे हाथ में शायद नहीं होता, शायद स्टीव जॉब्स को कोई नहीं जानता। लेकिन उसने अपनी पहचान बनाई, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन आप कहोगे कि ताकत कहां से बढ़ाए, रिसोर्स तो है नहीं हमारे पास। देखो, जब मुश्किलें आती हैं तो रिसोर्स वैसे भी कम पड़ जाते हैं, अगर हो गए भी तो अगर रिसोर्स है या नहीं वो नहीं सोचना है, आइडिया लगाओ, दिमाग को जोर दो। दिमाग को जोर नहीं दिया है तभी तो मुश्किलों का सामना आप नहीं कर पाते हो। देखो किस तरह से हल कर पाते हो,
अगर नया हो पाए तो बुक्स पढ़ो, ऐसी बुक्स पढ़ो जिनकी लाइफ में मुश्किलें आई है, कैसे उन्होंने पार किया है, तो आपको वहां से एक मोटिवेशन मिलेगा, वहां से आपको एक आइडिया अपने आप से मिलेगा कि उसने ये आइडिया लगाया था, अच्छा तो मैं खुद क्या कर सकता हूँ अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, कौन सा रास्ता अपना सकता हूँ। लेकिन हाँ, किसी को पढ़ के उसकी जीवन शैली में आई मुश्किलों से हमारी मुश्किल अलग होती है, बात सही है, आइडिया अपने को ही लगाना है वो बात भी सही है, लेकिन वहां से आपको कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी मुश्किल को दूर कर पाओ, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी जिंदगी कट ही रही है। लेकिन नहीं, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो अपनी मुश्किलों का सामना करना ही करना होगा, आपको खुद को ही, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ो, तभी आप उस मुकाम तक जा पाओगे जो मुकाम आपको चाहिए अपनी लाइफ में। तो जैसे आप अपने शरीर से कमजोर पाते हो तो अपने हेल्थ इश्यू को सॉल्व करते हो दवाई लेके, यानी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के, उसी तरह से आपको अपनी लाइफ की मुश्किलों को भी अपनी ताकत बढ़ा के, अपने आइडिया लगा के, आपको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद।